हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आपका पीयूष पांडे। देखिए, आजकल का जो मुद्दा चल रहा है उस पर मैं वीडियो लेकर आया हूँ। ये कास्ट सेंसस जो जातिगत जनगणना है, तो इसको देखते हैं, इनके दोनों पहलुओं को हम इसको एनालिसिस करेंगे। क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है, ठीक है ना। तो इसके थोड़ा सा हिस्टोरिकल जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं कि कैसे स्टार्ट हुआ था। देखिए, भारत में ना जाति जनगणना है जो 1931 में स्टार्ट हुआ था पहली बार। हाँ, उसमें बताया गया था सारे जातियों का। देखिए, ये जनगणना है, जातिगत जनगणना का मतलब हमको पता करना है कि कौन सी जाति का कितना जनसंख्या है भारत में, ठीक है। SC ST OBC जनरल, ठीक है। तो ये क्यों ज़रूरी है, तो पहली बार जो जनगणना हुई थी 1931 में हुई थी OBC। और ये देखिए दोस्तों, मैंने 52% लेकर आया हूँ, तो आप समझेंगे कि मैंने OBC क्यों लिखा है। तो मैं बताता हूँ, नीचे आप देखिएगा ध्यान से। तो 1941 में सेकेंड जो जनगणना हुई थी, इसमें पहली बार SC ST का, जो SC ST का इसमें इसके बारे में बताया गया था। SC ST के बारे में खाली जनगणना जो है ना वो पब्लिश हुआ था। हुआ तो ये भी जातिगत जनगणना ही था, लेकिन एक तरीके का, लेकिन इसका पब्लिश जो हुआ था ना खाली SC ST का, जो 1941 के बाद पब्लिश होते रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि SC ST का पब्लिश नहीं होते आ रहा है, बस एक ही चीज़ है जो OBC और जनरल का कभी पब्लिश नहीं हुआ है। देखिए, जो आखिरी जो हुआ था 2011 में, तो 2011 में जो दोस्त हुआ था, ये भी जातिगत जनसंख्या था आपका सोशियो इकोनॉमिक बेस पे, ठीक है ना। लेकिन ये जो 2011 वाला है, ये भी कभी पब्लिश नहीं हो पाया। देखिए, इसके पहले भी थोड़ा सा देखते हैं, तो 1993 में, 1953 में, ये जवाहरलाल नेहरू के समय में, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय में, जातिगत जनगणना हुआ था, लेकिन इसको भी पब्लिश नहीं कराया गया। हाँ, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता। उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये काका केलकर कमेटी उस समय बनाया था इसको देखने के लिए। तो लेकिन ये एक चीज़ मेरे को समझ में नहीं आती कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में रहता है, आप पहले से देख लीजिए, अभी तक देख लीजिए, वो चाहता नहीं है जातिगत जनगणना। अब इसके क्या है, किस लिए नहीं चाहता है, एक तरीके से देखा जाए तो। लेकिन ये इशू अराइज क्यों हुआ है, पहली चीज़ तो ये हम देखते हैं। देखिए, बिहार में जनगणना हो रहा है, 1 जनवरी से 21 जनवरी जो अभी शुरुआत है आपका, फर्स्ट फेज का है ये, फर्स्ट फेज का। सेकेंड फेज है आपका 1 अप्रैल से 30 अप्रैल के। तो फर्स्ट फेज में क्या होगा ना, देखिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ये क्या है जनगणना। तो जो बिहार में हो रहा है जो जनगणना, वो जनगणना फर्स्ट फेज में जो होगा, मकान गिने जाएंगे एक मकान में, और हर मकान को एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना, फर्स्ट फेज में, जो ये 1 जनवरी से 21 जनवरी। इसमें कौन कौन मनरेगा के जो वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, ये सारी चीज़ें लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। बिहार की ऐसी जनसंख्या आप देखा जाए तो 12.7 करोड़ के आसपास है, ठीक है। सेकेंड जो जनसंख्या है आपका, जो होने वाला है वो सेकेंड फेज का, वो 1 अप्रैल से होगा, और इसमें सोशियो इकोनॉमिक जो कास्ट बेस पे जो जनगणना होगा वो सेकेंड फेज में होगा। तो देखिए, एक तो एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये जो जनरल जनगणना जो होती है और ये कास्ट बेस जो जनगणना हो रही है, दोनों में फ़र्क क्या है। देखिए दोस्तों, इन दोनों में फ़र्क ऐसा है कि जो जनरल जनगणना होती है वो खाली ये देखा जाता है कि हमारी जनसंख्या की वृद्धि कितनी हुई, हमारी जनसंख्या कितनी है, ठीक है, ये फैमिली का, ठीक है ना। इसमें देखेंगे ना, एक पर्टिकुलर कास्ट देखा जाता है कि इस कास्ट में इतने जनसंख्या है, इस कास्ट में इतने जनसंख्या है, ठीक है ना। तो स्पेशल जो टारगेट किया गया है, ये जातिगत जनगणना है जो जातियों के लिए, हर जातिगत। अब देखिए प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम ये है कि मैंने बताया था जो 1931 में जो जनगणना हुई थी, जिसमें OBC का पता चला था, 52% जनसंख्या OBC का है, उसके बाद ये कभी जनगणना नहीं आया, किसी भी गवर्नमेंट ने ये पूरी की पूरी जातिगत जनगणना नहीं किया। 2011 में भी जातिगत जनगणना हुआ था, लेकिन इसको भी, इस डेटा को पब्लिश नहीं कराया गया, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब, ये कहने का मतलब ये है, तो कुछ तो कारण होगा, ठीक है ना। अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों, हर बार कोई भी गवर्नमेंट आती है ऐसा क्यों सोचती है, वो तो उसकी
मतलब उस पर डिपेंड करता है, लेकिन हम इसको देखेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है अपने तरीके से। तो देखिए दोस्तों, ये है एडवांटेज, इधर हो जाता हूँ मैं, ये है एडवांटेज और ये है डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज में देखिए इस जनगणना के बारे में, तो देखिए हमें क्यों जातिगत जनगणना की ज़रूरत है। तो इसलिए ज़रूरत है क्योंकि योजना जो है ना हमको लागू करनी है, हमको ये पता होना चाहिए कि किस कास्ट में कितनी जनसंख्या है जो सोशो इकोनॉमिक कमज़ोर है, जो वीकर सेक्शन है, ठीक है ना। इस ये क्या सबसे पहले ये चीज़ तो ये भी देखते हैं क्या हमारी ये कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। तो हाँ जी अलाउ करता है, ये आर्टिकल आपके आर्टिकल जो है वो 340 में है कि अलाउ करता है कि ऐसा करना चाहिए। बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी रहा है अलग अलग चीज़ों पे कि करना चाहिए। अभी ये केस गया भी है सुप्रीम कोर्ट में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेके गई है ये कि इसको रुकवाने के लिए जो बिहार में ये जनगणना हो रही है, ठीक है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, जो एडवांटेज है इसका वो एडवांटेज ये है, जो फ़ायदा है, फ़ायदा ये है कि योजनाओं को हमें नीचे तक पहुँचानी है। रिजर्वेशन का जो चीज़ें हैं देखा जा रहा है कि भाई भागीदारी कितना होना चाहिए ओबीसी का, ठीक है ना। एसी एसटी का तो पब्लिश होते ही रहा है दोस्तों, ठीक है ना। तो इनका जो ओबीसी का क्या है कैटेगरी, क्या ये 52% से ऊपर है कि नीचे है। जो मंडल कमीशन 91 में जो हुआ था 1991 में, जिससे 27% रिजर्वेशन दी गई थी, इसमें 41% के आसपास बोला गया था ओबीसी। तो जो 91 में हुई थी जो 27% रिजर्वेशन दिया गया था, ठीक है, उसमें कहा गया था कि ओबीसी की जो जनसंख्या है वो 41% के आसपास है। देखिए ये है आपके फायदे की चीज़ जो, ठीक है। इसका डिसएडवांटेज क्या है, देखिए डिसएडवांटेज ऐसा है दोस्तों कि ये है पॉलिटिकल पार्टियों की प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल पार्टी की प्रॉब्लम है। देखिए हमारे देश में क्या है ना कि इस जनसंख्या के रिकॉर्ड का दुरुपयोग ना हो, ऐसा हो कि एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों से ऐसे संघर्ष उत्पन्न ना हो जाए। क्यों, देखिए 91 के जो ऐसा हुआ था, जो मेरा मानना है, देखिए 91 के जब रिजर्वेशन आया था ओबीसी, उसमें भी बहुत ज़्यादा ये हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे पॉलिटिकल जो सिचुएशन चेंज हुआ था सिनारियो। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है, मैं ज़रूरी है ये भी मैं बता रहा हूँ। देखिए उस समय जो हुआ था ना, तो उसमें क्या हुआ था ना, ये सोशियो इकोनॉमिक, देखिए मैं एक चीज़ आपको कॉन्स्टिट्यूशन की ओर लेके जा रहा हूँ दोस्तों। ऐसा है कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन का 3 पिलर है, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस, ये तो आपको देना ही है दोस्तों। देखिए मेन काम है हमारा, गवर्नमेंट का जो काम है यही तीनों के जस्टिस देना है। तो ठीक है ये तो हमको देखना है, जो वीकर सेक्शन है ना उसको ऊपर उठाना, ये इक्वालिटी भी है जो आर्टिकल 14 की बात है दोस्तों, आर्टिकल 14 की बात है। तो इक्वालिटी तो हमें देनी है, समानता तो लानी है सोसाइटी में। लेकिन जो ये रिजर्वेशन जो लागू हुआ था उसके बाद क्या हुआ था ना, आपने देखेंगे कि बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी जो जातिगत आधार पर खड़ी हुई, ठीक है ना। तो हमारी देश के लिए मैं मानता हूँ ये सही नहीं है, क्योंकि जाति से हमें कास्टलेस सोसाइटी की तरफ तो जाना ही होगा, ठीक है। लेकिन क्या ये रिकॉर्ड होना चाहिए, तो यस दोस्तों क्यों नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि हमें इन्फॉर्मेशन यदि ये मालूम चल जाए कि हाँ ये इस कास्ट में, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो या ओबीसी में इतने लोग रहते हैं, तो ये रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन रखना कोई गलत बात तो नहीं है, इसको रखना ही चाहिए। इसमें गलत क्या है, इसका क्या हो सकता है, नहीं। और ऐसे भी ये गोपनीय होती है, ठीक है ना। ये जनसंख्या जो है ना वो किसके लिए यूज होता है, वो यूज होता है सरकार के लिए कि सरकार उस पर काम करे, उस पर पॉलिसी बनाए, उस पर योजनाएं बनाए और लोगों तक पहुंचाए। लेकिन यदि ये पॉलिटिकल पार्टी इसको दुरुपयोग करती है और दुरुपयोग करके इसको क्या करती है कि अब अपने फायदे के लिए, अपने पॉलिटिकल गेन के लिए इसको यूज करती है, तो ये समस्या की बात है। देखिए ये तो पॉलिटिकल पे, इसके लिए तो देखिए एक चीज़ भी है कि इस पर चेक्स एंड बैलेंस जरूरी है, ये चेक्स एंड बैलेंस भी जरूरी है, चेक्स एंड बैलेंस भी जरूरी है, ठीक है, बैलेंस जरूरी है दोस्तों। ये तो अपने हाथों में नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टी के हाथों में है। लेकिन एज ए युवा पीढ़ी, और मैं ये चीज़ कहना चाहता हूँ, देखिए मैं
ऐसा नहीं है कि मैं इसके अगेंस्ट में हूँ, मेरे कहना है कि होना चाहिए, रिकॉर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड डेटा बनेगा, उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्यों नहीं, इन्फॉर्मेशन लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। और हम अब ये मेरे मैसेज है युवाओं का, जो हमको नहीं जाना है कास्ट बेसिस पे, ठीक है ये आना चाहिए, हमको पता होना चाहिए कौन किसका वो है, लेकिन हमको इसको टसल पैदा नहीं करना है, ये जो अपनी ना कास्टों के बीच में टसल पैदा नहीं करना है, इसको आगे की तरफ देखना है, इस इन्फॉर्मेशन को इस तरह से देखना है कि हमारी मजबूती, हमारी भागीदारी, ये ना देख के कि हमारी, हमें क्या लेना है, ये ना चीज़ें छोड़ के कि हम अब कितनी भागीदारी दे सकते हैं इस देश के प्रति, और इस चीज़ को हमारे लिए ऐसा सोचना है, ऐसा विचार। देखिए पॉलिटिकल पार्टी का काम ही है इन चीज़ों को ऐसे बढ़ावा देना, तो ठीक है उसका तो अलग कंसेप्ट है, लेकिन ये है कि हम लोगों को सोचना है एज ए यूथ कि हमको कैसे चलना है, कैसे करना है, और हमारी भागीदारी किस तरह से इस देश को आगे बढ़ाने में होनी चाहिए। मेरे दोस्तों इस बात से ख़त्म करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि लोगों को पसंद आए तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद।